खबर शामिल करते हैं पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यूम के मरकजी सेक्रेटरी तलात नशरियात कर्नल रिटायर्ड असद महमूद ने कहा कि सी पैक मनसूबे की तकमील 2030 तक हर सूरत मुमकिन होनी चाहिए ताकि मुल्क के मुआशी हालात जल्द अज जल्द मुस्तहकम हो सकें। उन्होंने कहा कि ब्रीफ किया जाए, अब तक इस मेगा मनसूबे पर जितना काम हुआ है आखिर उसके समरात आवाम खसूसन बलूचिस्तान और गवादर की आवाम तक कब पहुँचेंगे। उन्होंने कहा कि खुजराब से गवादर तक आवाम का हक है कि मकामी आवाम को अच्छा और बाइज्जत रोजगार फराहम किया जाए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया गवादर जो जिला है उसकी टोटल आबादी इस वक्त अगर देखी जाए 2.5 लाख की करीब आती है, तो बिल्कुल हम 2.5 लाख लोगों के साथ खड़े हैं, हमारी पार्टी खड़ी है। मैं महसूस करता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ बलोचिस्तान को खसूसी तौर पर जो जायज़ शिकायात हैं गवादर के लोगों की, जो गवादर के कारोबार करने वाले हैं, जो गवादर की फिशिंग के साथ जिनका ताल्लुक है पोर्ट समंदर के अंदर, उनके जो जो मुतालबात हैं बिल्कुल उनको पूरा किया जाना चाहिए। मैं ये फील करता हूँ कि गवादर को सच्ची बात है अगले 2 सालों के अंदर अंदर मैं गवादर को बड़ा मुख्तलिफ देखता हूँ। वहाँ पे जिस तरह आप मंसूबों का जाल देखेंगे, सड़कों का जाल देखेंगे, तजारती एक्टिविटीज़ देखेंगे, हॉस्पिटल की बात करते हैं, सोलर सिस्टम की बात करते हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट दी टॉप लाइन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो दैट इज़ गोइंग टू बी डेवलप्ड, ऐसे ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं बिल्कुल पाकिस्तानियों के लिए, बलोचिस्तान के लोगों के लिए खसूसी तौर पर, और फिर गवादर के लोगों के लिए आए हैं। यस, हम ये भी मुतालबा करते हैं कि जितने भी वहाँ पर मुलाजमतें हैं, सी पैक जनरली कहते हैं कि 2015 से लेकर 2030 तक तकरीबन को 23 लाख मुलाजमतें वहाँ पर मैसर हो गई, एंड आई से कि उसके अंदर जो मैक्सिमम हिस्सा है वो जाना चाहिए गवादर को और बलूचिस्तान के लोगों को, सर्विस के बाद जो लोग कैसे जाते हैं उसके अंदर बाकी पाकिस्तानी को भी जाना चाहिए। बट वो जो नेटिव्स हैं उनको किसी सूरत वो उनकी प्रायोरिटी आती है, उनको साथ लेके चलना चाहिए। इसमें जो सी पैक पोर्ट अथॉरिटी है उनकी बात करते हैं, सी पैक की अथॉरिटी है उसकी बात करते हैं, हुकूमत बलूचिस्तान की बात करते हैं, कैसी उनकी जिम्मेदारी आती है कि लोगों के जो तहफ़ात हैं उनको वो दूर करें। लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर अगर आप समझती है बलूचिस्तान हुकूमत, उसको मज़ीद इकदाम करने की ज़रूरत है, उनको हर हाल में करने चाहिए क्योंकि इसके ऊपर हम कोई कम्प्रोमाइज़ मैं समझता हूँ नहीं कर सकते। वाइट सुन बिकॉज ये जो पिछले चंद हफ्तों के अंदर जो कुछ सिचुएशन हमने वहाँ पर देखी गवादर के अंदर, हमसे ये वो एजेंडा था कि जो कि आप समझते हैं कि आप जो दुश्मन कुवतें हैं, बैरूनी कुवतें हैं, ये तो उसके पर्पज़ को सर्व कर रहे थे। नॉट एट ऑल, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एंड आई बिलीव उसके अंदर जो भी है जो इकदाम जो है बलूचिस्तान हुकूमत को उठाना चाहिए आप उस, और विद इन दैट जो गवादर की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आती है उनकी पुलिस आती है सरपीएससी वहाँ पर। मज़ीद दिलचस्प मालूमात और ख़बरों से आगाह होने के लिए गिदरोशिया पॉइंट फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर को फॉलो और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन बटन दबाना ना भूलें ताकि मकरान समेत बलूचिस्तान की खबरों से जुड़े रहें।